हैदराबाद में सिंध डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से हैदराबाद में प्रोजेक्ट के वर्कर और स्टाफ में अवार्ड और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुस्तफ़ा बलोच, अब्दुल रब, शुमाइला इम्तियाज, एम प्रकाश, रमेश गुप्ता, मारवी ऐवान, यास्मीन मरी के साथ वकला, पुलिस, मजहबी रहनुमाओं और स्टूडेंट्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिंध डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। आज का जो ये इवेंट है, ये बुनियादी तौर पर जो सिंध असम्बली ने तीन कवानीन बनाए हैं, बचपन की शादी का या कम उम्र की शादी का, दूसरा उन्होंने बनाया है घरेलू तशद्दुद का, तीसरा बनाया है कि जो सिंध में रस्में हैं मनफी, जैसे कारोकारी है, जैसे पेट लेखो है, जैसे संग चट्टी है, जैसे इस तरह की जो रस्में हैं, इन रस्मों के खिलाफ सिंध असम्बली ने कानून मंजूर किए हैं। तो आज हम उन एक्टिविस्ट को अवार्ड दे रहे हैं जिन्होंने ये शऊर और आगाही की मुहिम अपनी कम्युनिटी में चलाई। जो सीएस है या जो हमारे वॉलंटियर जो लड़के या लड़कियां बच्चियां काम कर रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर हमने यहाँ पर उनके अवार्ड शो किए हैं, ताकि उनके जो है ना उनको अवार्ड दें उनकी परफॉर्मेंस पर और उनकी जो है ना हिम्मत ज़्यादा बढ़ जाए। उस मौके पर इंसानी हुकूक के रहनुमाओं ने कहा है कि वर्कर्स दूर दराज इलाकों में जाकर इंसानी हुकूक का आवाज़ बुलंद करते हैं, इसलिए यकीनन वो प्राइज़ के हकदार हैं। कैमरा मैन नज़र मोहम्मद सयाल के साथ कायमली जमाली, ऑनलाइन इंडस्ट्री टीवी, हैदराबाद।